हेलो स्टूडेंट, आई एम धीरज कुमार फ्रॉम चैनल एनसी क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 4 का वर्कशीट 1 सॉल्व करेंगे। देखिए, 5 बैग्स ऑफ राइस 150 केजी, 5 बैग चावल का दाम कितना है 150 केजी है, तो हाउ मेनी सच बैग्स ऑफ राइस विल वेट 900 केजी। तो ऐसा कितना बैग्स राइस का होगा जिसका कि वेट 900 केजी होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन, राइस ₹150 इज 5 बैग्स। ठीक है, 150 केजी चावल का वेट कितना है 5 बैग का है, तो 1 केजी में कितना बैग होगा, तो 5 by 150 केजी 50 बैग्स। तो इसी तरह कितना है 900 केजी है ना, तो 900 केजी इंटू 5 by 150 into 900। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपल से काटना है, 10 से 10, 15 से 90 कितना बार में कैंसिल होगा, तो 6 टाइम्स। अब 5 और 6 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 30 बैग्स। क्या चीज आ रहा था कि कितना बैग में 900 केजी आएगा, तो ऐसा 30 बैग रहेगा जिसमें कि 900 केजी चावल आएगा। ठीक है, देखिए द कॉस्ट ऑफ 3 केजी शुगर इज 105, मतलब 3 केजी शुगर का दाम कितना है 105 रुपया है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 केजी ऑफ शुगर, मतलब 15 केजी शुगर का दाम क्या होगा। तो ये देखो 3 केजी 105 रुपया, 15 केजी का क्या होगा, मतलब कि जितना बढ़ेगा उतना दाम भी बढ़ेगा, जितना केजी शुगर हम लोग लेंगे उतना मतलब दाम भी बढ़ेगा, तो ये डायरेक्ट इन्वर्सन होगा। ठीक है, तो इसको दम सिंपली बनेगा, देखिए डायरेक्ट इन्वर्सन तो और आसान होता है, तो हो गया क्या, द कॉस्ट ऑफ 3 केजी इज द कॉस्ट ऑफ 3 केजी शुगर इज 105, 3 केजी शुगर का दाम क्या हुआ 105 रुपया हुआ, तो 1 केजी शुगर का दाम क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी शुगर, इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा 35 times बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 35। अब क्या पूछ रहा था नेक्स्ट की 15 केजी शुगर का दाम क्या होगा। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ 15 केजी शुगर इज इक्वल टू, 1 केजी का 35 था ना, तो 15 केजी का क्या होगा, सीधा सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 into 15 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 का 5 = 7, 15 × 3 = 45 और 7 कितना होगा 52, मतलब कि 525 रुपया 15 केजी शुगर का दाम होगा। ठीक है, देखिए ए मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 आवर्स, स्पीड रिमेनिंग द सेम। क्वेश्चन क्या पड़ा कि एक मोटर बोट जो है वो कवर करता है मतलब 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में वो 4 आवर्स लेता है। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 आवर्स, तो 7 घंटा में कितना किलोमीटर कवर करेगा यदि स्पीड जो है कि सेम रहेगा, दोनों के लिए सेम स्पीड है, तो कितना डिस्टेंस से अतीत मतलब कवर करेगा तय करेगा। तो देखिए सिंपल सी क्वेश्चन, सेवन आवर्स इन ए मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर,
क्या हुआ 7 आवर्स में एक मोटर बोट कवर करता है 20 किलोमीटर, फोर आवर्स में मोटर बोट कितना तय करता है 20 किलोमीटर। तो 1 आवर्स में कितना तय करेगा, तो ऑटोमेटिक है कि चार घंटा में 20 किलोमीटर तय करता है, तो 1 घंटा में कितना कम करे अति कितना तय करेगा, तो उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 20/4, 4 से कैंसिल कीजिए 20 को, तो कितना बार में 5 टाइम्स में, मतलब 5। अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन बोल रहा था कि 7 आवर में कितना तय करता है, तो 7 आवर में तय करने के लिए उसको क्या करेंगे 7 आवर्स, 1 घंटा में 5 किलोमीटर, तो 7 आवर्स में तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 × 5 = 35 किलोमीटर तय करेगा। देखिए ये मोटर बाइक ट्रेवल्स 210 किलोमीटर ऑन 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। क्या बड़ा क्वेश्चन कि एक मोटर बाइक जो है ट्रेवल करता है 210 किलोमीटर 30 लीटर में, ठीक है, तो हाउ फार वुड इट ट्रेवल्स ऑन 30 लीटर्स 7 लीटर्स पेट्रोल, तो 7 लीटर में कितना किलोमीटर वो तय करेगा, कितना दूर वो जाएगा। तो देखो 210 किलोमीटर 30 लीटर में जाता है, तो 7 लीटर में वो कितना किलोमीटर जाएगा, तो सिंपल है सॉल्यूशन, देखिए 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन ए मोटर बाइक ट्रेवल्स 210 किलोमीटर, 30 लीटर में कितना किलोमीटर 210 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितना जाएगा, तो 30 लीटर में 210, तो 1 लीटर में ऑटोमेटिक है कि जितना ज़्यादा रहेगा तो उतना ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, जितना कम रहेगा उतना कम डिस्टेंस तय करेगा, तो 1 लीटर को निकालने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 210/30 इसको कैंसिल कीजिए, तो 30 से 10 कैंसिल कीजिए, तो 7 टाइम्स में 7। अब क्या बोल रहा था कि 7 लीटर्स में वो कितना दूर जाएगा, तो 7 लीटर्स ये क्या था 1 लीटर में 7 किलोमीटर, तो 7 लीटर में कितना जाएगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 7 × 7 = 49 किलोमीटर हो गया। देखिए इफ 12 वुमेन कैन वीव 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इन ए डे, मतलब क्या यदि 12 औरतें एक दिन में 15 मीटर क्लॉथ को बुन सकते हैं, 15 मीटर कपड़े को बुन सकते हैं, तो हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी वुवेन बाय 20 वुमेन इन ए डे, तो वो कितना मीटर बुनेंगे यदि 20 औरत रहेंगे तो एक दिन में वो कितना मीटर कपड़े को बुन सकेंगे, तो सिंपल सी क्वेश्चन है एकदम आराम से बनाइए। देखिए इफ 12 वुमेन कैन वीव 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इन अ डे, क्या हो गया यदि 12 औरतें 15 मीटर कपड़ा एक दिन में बुनते हैं, तो ऐसे ऐसे यदि एक औरत रहेंगे तो वे एक दिन में कितना मीटर कपड़ा बुनेंगे, तो 15/12 जितना आदमी कम होगा उतना मीटर कपड़ा कम बुनेंगे, जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा बुनेंगे, तो एक औरत को 15/12 इसको यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, तो देखिए 3 से इसको कीजिए 5 × 3 = 4 मतलब 5/4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा वो कितना वुमेन है 20 वुमेन है, तो 20 वुमेन को 20 वुमेन कितना बुनेंगे, तो 5/4 × 20, 4 से 20 को कैंसिल कीजिए 5, 5 5 = 25,
25 मीटर्स वे लोग एक दिन में बुनेंगे, कितना आवर्स? 20 आवर्स। इफ द वेट ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर इज 20 ग्राम, यदि 5 शीट्स पेपर का दाम कितना है? 20 ग्राम है, ठीक है, 20 ग्राम है, तो हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 केजी। तो ऐसे ही ऐसे कितना सेट्स शीट होंगे पेपर का जिसका की वेट होगा 2.5 केजी। तो देखिए यहाँ पर ग्राम है और यहाँ पर केजी है, तो जब भी सॉल्यूशन करना है तो ये ध्यान रखना कि दोनों एक डिजिट में होना चाहिए, चाहे तो इसको केजी में कर लीजिए या फिर ये केजी है उसको ग्राम में कर लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, देखिए 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 2.5 केजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 × 1000 इज इक्वल टू 2500 ग्राम, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना होगा कि 2500 ग्राम कितना सीट, कितना पीसीट का होगा वेट, ठीक है। तो देखिए द वेट ऑफ पेपर 20 ग्राम इज 5 शीट, ठीक है, 20 ग्राम 5 शीट का थी होगा वेट, तो 1 ग्राम कितना शीट का होगा, 5/20 शीट का, ठीक है। अब इसी तरह कितना ग्राम का निकालना था, 2500 मतलब 2500 ग्राम का, तो क्या हो जाएगा 2500 5/20 × 2500। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कीजिए, 2 से इसको डिवाइड कीजिए, तो कितना बार हो जाएगा 125 टाइम्स में, और 125 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 625, मतलब ये 625 सीट्स कितना में थी, 625 सीट्स 2500 ग्राम होगा वेट।